डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम लोग क्लास फाइव के मैथ को ये एक्सरसाइज 83 जो है इसका पार्ट थ्री हम लोग करेंगे। इसमें कई सारा क्वेश्चन है, इसीलिए पार्ट बाय पार्ट बनाना पड़ रहा है। पार्ट वन टू दे चुका हूं मैं और आज पार्ट थ्री को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32 से आगे है, यहाँ पर एक पेज में लास्ट जो है यहाँ पर 58 तक दिया हुआ है, क्वेश्चन 58। तो यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे। 32 में दिया हुआ है डिवाइड करने के लिए कहा गया है और ये डिवाइड जो है फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, तो ये काफ़ी आसान होता है। तो मैं करके दिखलाता हूँ आप लोगों को। ये हो गया 32 नंबर का, इसमें ए नंबर, तो यहाँ पे दिया हुआ है 6/17 डिवाइड 3। ये हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/17 डिवाइड 3/1। किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, उसका वैल्यू वही सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ 3/1 हो गया और ये 3, दोनों का वैल्यू सेम है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसका नियम ये है कि डिवाइड जो होता है उसका लेफ्ट साइड में जितना भी जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो सेम टू वही रहेगा और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो लिखा हुआ है ये उलट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग देखेंगे, ये कोई कट रहा है तो काट देंगे, उसके बाद जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 3 का टेबल से ये 6 कट जाएगा, तो 3×2=6 होता है, ये कट गया। 2 बार में कटा तो ऊपर में 2 बच गया और नीचे 17, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/17। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर इसी में दिया हुआ है, बी नंबर में, तो इसको बना लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 4/5 डिवाइड 8, तो इसको भी उसी तरह से कर लेंगे। ये 4/5 हो गया और यहाँ पे डिवाइड, ये इसके नीचे 1 लगा देंगे। अगर आप जानते हैं तो आपको लगाने की जरूरत नहीं, इसको लगाने से क्या होता है, सुविधा दिखाई देता है। और ये हो गया 4/5, सेम टू सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/8। तो यहाँ पे देखेंगे ये 4 से 8 कट जा रहा है, 4×2=8 हो गया, 2 बार में कट रहा है, तो यहाँ पे ऊपर में सिर्फ 1 बच रहा है और नीचे में 5×2=10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/10 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 में सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे। राहुल गेव 3/4 ऑफ हिज बैंक बैलेंस टू हिज वाइफ। राहुल अपने बैंक बैलेंस का इतना भाग अपनी वाइफ को दे देता है। इफ़ हीज बैंक बैलेंस वाज इतना रुपीस, अगर उसके बैंक बैलेंस में इतना रुपया है, हाउ मच डिड हिज वाइफ गेट, तो उसकी पत्नी को कितना पैसा मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए तो यहाँ पे बनाते हैं 33। तो राहुल के पास कितना पैसा है, अभी राहुल के पास है, राहुल हैज इतना हो गया 28,000, इतना रुपीस है और वो दे देता है, कितना देता है, ही गेव, वो दे दे रहा है 3/4, तो इसका 3/4 दे दे रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पता चल जाएगा 28,000 यहाँ से, तो कितना रुपया दे रहा है, इसका मतलब ये कटेगा, यहाँ काट देते हैं, 4×7=28 कट गया और इसके साथ में जो जीरो है वो इस पर लग जाएगा, तो यहाँ पे इस पर 3 0 बच रहा है, तो ये लगा दिए, तो इसका मतलब बच क्या गया, 3×7,000। ये हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7×3=21 हो गया, 7×3=21 पे 3 0 आ जाएगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा रुपीज़, हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। इतना रुपया जो है उसकी वाइफ को मिलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस एज डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल में दिया हुआ है और इसको फ्रैक्शन में बनाना है, काफ़ी आसान है, बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और 34, जैसे कि यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है 0.3, तो ये इसका बनाने का तरीका ये है, पॉइंट जो है ये 3 नंबर जो लिखा हुआ है ऊपर में लिखेंगे और बाय लगाने के बाद ये पॉइंट जो है ये 1 बन गया और पॉइंट के बाद जितना भी है उतना 0 लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद 1 है, 1 0 लगा दिए, तो बस ये फ्रैक्शन हो गया। अगर ये कटता है तो काट लेंगे, लेकिन ये 3 जो है प्राइम नंबर है, ये कटने वाला नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। और बी नंबर में 0.17, तो इसको भी उसी तरह से यहाँ पे नंबर लिख दिए और यहाँ पे बाय लगाने के बाद पॉइंट जो है 1 हो गया और उसके बाद 2 नंबर है तो 2 0 लगा दिए, ये भी कटने वाला नहीं है क्योंकि 17 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म,
एक्सपेंड करने के लिए कहा गया है, ये पॉइंट में है, तो ये भी काफ़ी आसान होता है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है 3.5, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए इस तरह से किया जाता है, 3 पॉइंट से पहले जो हो गया उसके बाद प्लस लिया जाता है, पॉइंट के बाद फर्स्ट में जो है बाय 10 होता है, फिर बाय 100 होता है, तो 5 लिखा हुआ है, इसको 5/10 हो गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ है 12.09, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मतलब 10 हो गया प्लस 12 हो गया, उसके बाद प्लस 0/10 प्लस 9/100, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 में तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, चूज डेसिमल्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स इक्विवेलेंट टू द गिवन नंबर्स, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है इसके इक्वल इसमें से कौन सा है, तो इसके इक्वल यहाँ पे एक लगाया हुआ है, ये है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 3.5 है तो यहाँ भी 3.5, तो पॉइंट के इधर जो नंबर रहता है उसके बाद से चाहे जितना भी जीरो लगा लीजिए उसका वैल्यू सेम होता है, और पॉइंट के इधर जो नंबर होता है उसके आगे चाहे जितना जीरो लगा लीजिए उसका वैल्यू सेम होगा, उसी तरह से ये उल्टा उल्टा काम करता है, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, और इसी तरह से 9.02, तो 9.02 यानी है नहीं है यहाँ पे 9.02, इसके बाद इधर चाहे जितना भी जीरो लगा दिया उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये आंसर है। इस तरह से ये काफ़ी आसान है। 36 मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दे रहा हूँ, 3.5, तो इसके इक्विवेलेंट मतलब इक्वल ये हो जाएगा 3.50, ये इसका आंसर हो गया। और बी नंबर में दिया हुआ है 9.02, तो इसका इक्वल हो जाएगा 9.02 पे 00 लगा हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 37 में ऐड दिया हुआ है, यहाँ पे आप एक ही बार देख लीजिए, 37 में ऐड इसको जोड़ना है, 38 में सबट्रैक्ट इसको घटाना है, और 39 में मल्टीप्लाई करना है, और इसको जो है 40 में डिवाइड करना है, तो एक ही बार हम लोग यहाँ कर लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं इसको, कितना दिया हुआ है 12.03, ये हो गया, और इसके साथ ऐड करना है 9.50, ये हो गया। यहाँ पे अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, जब सिर्फ 9.5 दिया हुआ है तो ये 5 जो है इसके इक्वल में लगाएंगे कि इसको इक्वल में लगाएंगे, इस तरह से गड़बड़ होता है, तो ये 9.5 दिया हुआ है तो यहाँ 5 रखेंगे, इसके बाद 0 रख सकते हैं, प्लस कर देंगे 9 हो गया, 11 हो गया, और 1 बच गया, तो ये 21 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ऐड हो गया। 38 ले लेते हैं यहीं पे, 38 में सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको फ्रॉम, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 38 में देखिए 5.91 फ्रॉम मतलब होता है से, मतलब इससे घटाना है, ये बड़ा है इससे घटाएंगे इसको, यहाँ 3 डिजिट दिख रहा है लेकिन 3 डिजिट का वैल्यू जो है इसका कम है, वो यहाँ पे हो गया 6.8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ 5.91, तो इसको करेंगे माइनस 10 हो गया, यहाँ पे 10 में से 1 चल जाएगा तो 9 बच जाएगा, और यहाँ होगा 7, तो 7 यहाँ पे यहाँ से कैरी लेते हैं 17 हो जाएगा, 17 में से 9 तो यहाँ 8 बच जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट इसका ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद 39 में मल्टीप्लाई दिया हुआ है 39, तो मल्टीप्लाई करना है 3.92, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट आप रख सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 8 2 16 हो गया, 1 बच गया, 9 8 72 और 1 73 हो गया, 7 बचा हुआ है, 8 3 24 24 और 7 तो 31 हो गया, 31 ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 पॉइंट के बाद 2 है इधर से हम गिनेंगे 1 2 और यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद 40 नंबर में डिवाइड दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड हम लोग कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करना है और 0.6 को डिवाइड करना है, पॉइंट रख सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, बाद में पॉइंट लगा सकते हैं, तो 2 3 6 हो गया, 6 यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, इसको काट लेते हैं, ये कट गया, तो यहाँ पे 1 डिजिट के मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के पहले इधर से गिनेंगे 1, तो 1 यहीं हो रहा है, तो 0.3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3।
ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, 41। तो 41 का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए बोतल कॉन्टेंट्स 75 ml ऑफ इंक, एक बोतल में 75 ml इंक है, स्याही है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ इंक विल बी देयर इन सच 15 bottles? तो इस तरह के 15 bottles में, 15 bottle में कितने लीटर स्याही आएगा होगा? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये लीटर्स जो लिखा हुआ है इसका आंसर लीटर्स में हम लोगों को देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। वन बॉटल कॉन्टेंट्स इंक 75 ml, ये हो गया। तो इस तरह के 15 बॉटल में कितना इंक आएगा? तो 15 बॉटल्स, तो 15 को हम 15 × 75 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें 15 बॉटल में कितना इंक आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा? इक्वल टू मिल जाएगा हम लोगों को 1125। तो अभी ml में है तो हमको आंसर जो है ये ml में है। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। अगर हम इसको ml से l में करते हैं, लीटर में करते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देना होगा। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं इसको 2, इसका ml इक्वल टू, इसको हम दिखा देते हैं इस तरह से करके, इसको 1000 से करेंगे डिवाइड। तो 1, 2, 3 इस तरह का डिवाइड मैंने बतलाया है आप लोगों को। 1, 2, 3 तो यहाँ पे 1, 2, 3 गिनेंगे और लिखेंगे इसको 1.1 हो जाएगा, 1.125, ये हो गया लीटर। तो इतना आंसर हो जाएगा ये। 42 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी हाफ लीटर बॉटल्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम ए कैन कॉन्टेनिंग अब 51.5 liters ऑफ मिल्क। तो इतना टोटल क्वांटिटी है मिल्क का, और हाफ बोतल के, हाफ लीटर के कितने बोतल में यह आ जाएगा, कितना बोतल लगेगा इसमें, मिल्क क्वांटिटी क्या है? 51.5 liter, ये हो गया। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ml में, ml तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 × 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 515, और यहाँ पे 20 आ जाएगा इसमें, यहाँ ये बन गया ml, मिलीलीटर में बन गया। और हाफ लीटर बोतल मतलब है कि उसमें कितना दूध लेता है, हाफ लीटर का मतलब हो गया 500 ml। हाफ लीटर बोतल कॉन्टेन मिल्क कॉन्टेंस, हाफ लीटर बोतल कॉन्टेंस मिल्क 500 ml हो गया। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे अगर इससे तो पता चल जाएगा कि कितना बोतल की आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लीटर बोतल्स कैन बी फिल्ड, हाफ लीटर के बोतल इतना भर सकता है, कितना भर सकता है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 0, 0 और ये 500 से। तो ये 0, 0 पहले काट देते हैं और इसको काटते हैं, 5, 1 जा 5 हो गया, और यहाँ पे 1 से तो जाएगा नहीं, यहाँ 0 आ जाएगा, और फिर 5, 1 जा 5 तो ये कट गया इससे। इसका मतलब है कि ये 101, तो 101 बोतल की आवश्यकता पड़ेगा, बोटल्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, डिवाइड इतना इक्वली अमोंग 9 men, व्हाट डज इच मैन गेट? तो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है तो डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 9, 5 जा 45, ये यहाँ पे कट गया, और ये 0 जो है यहाँ, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 आदमी में ये इतना रुपया बटेगा, इक्वली बटेगा 836.50, इतने रुपया इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, ये शॉपकीपर बाइज इतना केजी ऑफ व्हीट, आउट ऑफ इट ही सेल्स इतना केजी, हाउ मच व्हीट इज लेफ्ट? तो ये आसान है, ये माइनस करने के लिए कह रहा है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, इसको करते हैं माइनस, तो यहाँ 0 हो जाएगा,
और यहाँ पे हो जाएगा 10, 5, यहाँ पे हो गया 4, तो 4 ये माइनस होने वाला नहीं, यहाँ से लेते हैं तो ये 14 हो गया, 14 7, तो 7 हो गया, ये हो गया यहाँ, और यहाँ से लिए तो यहाँ 6 बच गया, तो फिर यहाँ से लेते हैं 16 हो गया, 16 में 8 तो 8 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5 मतलब 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6, ये 6 हो गया, मतलब इतना केजी उसके पास वीट बच गया, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पे आवाज स्टार्ट्स फॉर द स्कूल एट 6:45 AM, सुबह में वो स्कूल जाती है इतना बजे एंड कम्स बैक वापस आती है 2:15 PM, 2:15 में दोपहर में आती है, हाउ लॉन्ग डज सी स्टे एट स्कूल, तो वह स्कूल में कितना समय बिताती है, इफ़ 40 मिनट्स आर स्पेंड इन गोइंग एंड कमिंग, अगर 40 मिनट जो है उसको आने जाने में समय लग जाता है तो फिर स्कूल में वो कितना देर रहती है, इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। आवा स्टार्ट्स फॉर द स्कूल 6:45 का मतलब है, AM का मतलब है 24 आवर क्लॉक में ये टाइम जो है वही रह जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है 6:45 आवर्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी कम्स बैक होम एट 2:15 PM, मतलब दोपहर में आती है, इतना का मतलब है 24 आवर क्लॉक के अनुसार जो है ये 2 मतलब 14 हो गया, 14:15 आवर्स, तो ड्यूरेशन कितना हो जाएगा इसके दरमियान वो कितना समय स्पेंड करती है, ड्यूरेशन हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे इसको, सबसे पहले ये एच हो गया, आवर्स में हो गया, और ये मिनट्स में हो गया, एच और एम लिख देते हैं, तो यहाँ पे एच में 14 लिख देते हैं और यहाँ पे 15, ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पे 6:45 ये हो गया, और इसको कर लेते हैं माइनस, पता चल जाएगा हम लोग को, तो यहाँ पे मिनट और आवर जो माइनस होता है तो यहाँ पे देखना पड़ता है दोनों को, यहाँ 15 मिनट है, यहाँ 45 मिनट है, तो ये माइनस नहीं होगा, यहाँ से हम लोग इसमें कैरी लेते हैं तो कैरी जो है 60 चला जाएगा, 60 और 15 तो 70 हो जाएगा, ये 75 हो गया यहाँ पे, और ये 75 में से माइनस होगा तो ये 0 हो गया, 5 में से 5 0 और 7 में से 4 3 हो गया, यहाँ पे एक माइनस हो गया तो यहाँ पे बच गया 3 हो गया, 13 हो गया यहाँ पे, तो 13 में से 7 चला जाएगा, यहाँ पे हो गया 13, 6 चला जाएगा तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, मतलब 7:30 हो गया, लेकिन उसको इतना देर तक वो स्कूल में नहीं रहती है, 40 मिनट उसको आने जाने में समय लग जाता है, गोइंग एंड कमिंग में टाइम उसको मतलब आने जाने में समय लगता है 40 मिनट का, तो यहाँ पे जो यहाँ टाइम जो आया हुआ है उसमें से 40 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर दिया है, यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ ये 30 में 40 माइनस नहीं हो रहा है, तो इसमें से 1 आवर इसमें कैरी लिए तो यहाँ पे 60 आ गया, और यहाँ पे 30 पहले से है, तो 60 और 30 90 हो गया, तो 90 में से 40 माइनस कर दिया, यहाँ 50 हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस हो गया था तो यहाँ 6 हो गया, मतलब वह 6:50 स्कूल में स्पेंड करती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी स्पेंड टाइम इन स्कूल 6:50, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका पढ़ लेते हैं। 46 ए मैन बाइज 3 पेन्स एट इतना पर पेन, वो 3 पेन खरीदता है और एक पेन का कीमत है 25 रुपीज़ 30 पैसे, ही सेल्स देम एट 26.70 पर पेन, मतलब एक पेन को वो इतना में खरीदता है और इतना रुपया में बेच देता है, तो 3 पेन खरीदता है और 3 पेन बेचता है, हाउ मच मनी डज ही अर्न, तो 3 पेन को बेचकर वो कितने पैसे अर्न करता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व किया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन को एक पेन का खरीदने का कीमत जो है यहाँ पे इतना रुपया है 25.30 पैसे, तो ये हो गया, और सेल प्राइस ऑफ 1 पेन, और उसी पेन को वो बेचता कितना में है 26.70, 26 रुपये 70 पैसे में वो बेच देता है, तो एक पेन को बेचने में वो कितना पैसा अर्न करता है, अर्निंग इन 1 पेन, एक पैसे को बेचकर वो क्या कमाता है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस किया हुआ है 26.70 से 25.30 को माइनस कर दिए, तो यहाँ 1.40 आ गया, मतलब 1 रुपया 40 पैसा, एक कलम को बेचकर वो इतना पैसा कमाता है, तो अर्निंग इन 3 पेन्स, तो 3 कलम बेचकर वो कितना कमाता है, तो ये जो आया हुआ है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 1.40, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आ गया 4.20, मतलब 4 रुपीज़ 20 पैसे, और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, अब हम लोग 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में अरुणा स्पेंट इतना रुपीज़ ऑन ड्रेस, ऑन ए ड्रेस,
एक ड्रेस को खरीदने में अरुणा इतना पैसा खर्च करती है और इतना रुपीज ऑन ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा जूता खरीदने में इतना पैसा लगाती है। हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड, तो फिर वो इन दोनों को खरीदने में टोटल कितना पैसा खर्च करती है। तो इसको कुछ करना नहीं है, इन दोनों को प्लस कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो ये होगा प्लस, प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, सेवन फाइव फिफ्टीन हो गया, तो ये हो जाएगा और वन बच गया, तो यहाँ पे फोर्टीन हो गया, नाइन फाइव फोर्टीन और वन फिफ्टीन हो गया, तो यहाँ फाइव हो जाएगा, फिर वन बच गया, एट और वन नाइन, और यहाँ पे ट्वेल्व और एट ट्वेंटी हो जाएगा, ट्वेंटी। तो वो टोटल पैसे कितना खर्च करती है, इतना रुपीज़ वो 2095 रुपीज़ 55 पैसे वो खर्च करती है, ये इसका आंसर हो जाएगा 75 का। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। ए मैन अर्न्स इतना इन ए ईयर, एक साल में मतलब सालाना वो इतना कमाता है। इफ़ ही अर्न्स द सेम अमाउंट एवरी मंथ फाइंड हिज मंथली इनकम, अगर इसी इनकम को वो साल में कमाता है तो महीने में वो इसी को कितना कमाता है। तो महीने में मतलब साल में 12 मंथ होता है, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो उसका मंथली इनकम कितना है। तो आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे अर्ली इनकम, उसका सालाना इनकम इतना हो जा रहा है, तो मंथली इनकम क्या हो जाएगा, तो मंथली इनकम क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। इतना बाय इतना 12, तो इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसको 12 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 144561 और यहाँ पे जीरो रहेगा, तो यहाँ पे 60 कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले वन बार में जाएगा, 12 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, कट गया, और यहाँ पे 4, तो 12 टू जा 24 हो गया, तो ये 2 बार में गया, कट गया, 24 पूरा जो है कट गया, और यहाँ पे 5 आया, तो 5 आने पर डिवाइड नहीं लगने पर ये 0 हो जाएगा, 0, और यहाँ से 6 ले लिया, 56 हो गया, तो 12 5 जा 60 होता है, तो 12 4 जा 48 लेंगे, 12 4 जा 48, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे इसको, 16 में से 8 होगा तो 8 बच जाएगा, 8, और यहाँ से ये कट गया तो ये 1, और 12 तो 6 बार में ही जाएगा, तो ये 6 बार में चला गया 72, तो यहाँ पे 11 2 ये 9 हो गया, और ये 9 मतलब ये कट गया, तो यहाँ से ये 6 आ गया 96, तो 12 8 जा, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 12 8 जा 96, ये कट गया, और ये 0 यहाँ नीचे आएगा और ये 0 इस पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको काटने के बाद इसको ये आ जाएगा 12046.80, मतलब मंथली इनकम उसका ये हो जाता है, इतना हो जाएगा, और 12046.80 ये मंथली इनकम इसका हो जाएगा, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर इज इतना, 12 कुर्सी का कीमत इतना है 2820 रुपया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 सच चेयर। तो इसी प्रकार वही चेयर जो है उतना कीमत वाला चेयर का 19 चेयर का कीमत बतलाना है, 19 चेयर का। तो इसको आसानी से हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स, 12 चेयर का कीमत ये हो गया, तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2820 बाय 12, इसमें जितना निकलेगा ये 12 चेयर वन चेयर का प्राइस हो जाएगा। तो हमको 90 चेयर का प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 19 चेयर्स, तो इसको निकालने के लिए 19 चेयर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं पहले, 2820 बाय 12 × 19 कर देते हैं और इसको काट लेते हैं, इसको यहाँ से कट जाएगा, ये 12 2 जा 24 हो गया, और यहाँ से ये 24 तो 4 बच गया, और यहाँ पे हो गया ये हो गया 2, तो यहाँ 42 हो गया, 42 तो 12 3 जा 36 होता है, 12 3 जा 36 यहाँ से काट लिए, उसके बाद 42 तो 6 बच गया, तो 12 5 जा 60 ये कम्प्लीटली कट गया, तो यहाँ पे इतना आ गया, और इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पता चल जाएगा कि 19 चेयर का कॉस्ट कितना पड़ेगा, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 5 हो गया, 4 बच गया, और 9 3 जा 27 27 और 4 31 हो गया, 3 बच गया, और 9 2 जा 18 19 20 21 ये हो गया, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
सेम नंबर आ जाएगा 5, 3, 2, इसको करेंगे प्लस, तो ये हो गया 5, 6 और यहाँ पे 4 हो गया और ये 4 हो गया, मतलब 4465। इतना रुपया जो है ₹4465 ये 19 चेयर का प्राइस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं, विच इज़ ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ, इसको डिफरेंस करेंगे और द सम ऑफ इतना, इसको प्लस करेंगे, इसको करेंगे माइनस और इसको करेंगे प्लस, तो हमको पता चल जाए, तो फिर मांग रहा है कि ये दोनों में से कौन सा बड़ा आता है, तो यहाँ करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 312 ये होगा माइनस, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 7 हो गया, यहाँ 10 हो गया 1, तो 9 हो गया और यहाँ 4, 3, 1 हो गया और यहाँ पे 17 हो गया 9, तो यहाँ 8 हो गया और 3 में 2, 1 ये हो गया, ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद सम में ले लेते हैं हम लोग, 8 जो जोड़ने के लिए आ गया है, तो सम इसको करते हैं प्लस, 15 हो गया, 1 बच गया हाथ में और यहाँ 3, 1, 4 हो गया और 9, 3, 12, 2, 1 बच गया, यहाँ 5 और 1, 6 हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन आ रहा है, डिफरेंस ये जो है 18,000 है और ये 16,000 है, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं 18,197 ग्रेटर देन 16,245 और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ग्रेटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ करेंगे हम लोग 51 का, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो इसको कर लेते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ, इसको डिफरेंस करना है और उसमें कितना जोड़ेंगे कि इतना आ जाएगा, टू गेट इतना 1, 10, 100,000, 10,000, 1,00,000, उसमें क्या जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंस करेंगे, उसके बाद इसमें से उसको माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। तो ये 51 नंबर हो गया डिफरेंस, यहाँ पे 2, 7 इसको माइनस कर देते हैं, 1 हो गया, 7 हो गया, 0 और 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो डिफरेंस इतना आया। तो इतना बनाने के लिए रिक्वायर्ड नंबर, आवश्यक नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं और उसमें से फिर माइनस कर देते हैं, 0, 7, 1 इसको करेंगे इससे माइनस, तो यहाँ पे हो गया 10, 1 तो 9 हो गया और यहाँ पे 9, 7, 2 यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9, 2 तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 9, 1 तो 8 हो जाएगा और यहाँ तो 0 हो गया, इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड नंबर ये, आवश्यक नंबर ये है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51। तो इस वीडियो में यहीं तक कंप्लीट करेंगे हम लोग आज, और इसके आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।